गाइस वेलकम बैक टू वीडियो गेम। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मार्केट में सर्च होंगे। बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑल्ट कॉइन के बारे में जो मेरे हिसाब से एक अच्छा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो अपनी रिसर्च आप पहले कर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा नाम सुप्रांत है, ये एक टेक्निकल चैनल है। गाइस, ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको मार्केट की सारी अपडेट मिल जाती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट की सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलने वाली है। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉइन के बारे में। ठीक है, कॉइन का नाम है माना। माना काफ़ी पुराना कॉइन है, आप जानते होंगे माना के बारे में। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं माना का नाम उन्होंने कभी ना कभी यहाँ पर सुना होगा। यहाँ पर अच्छा खासा फॉल भी आया था माना में, फिर वहाँ से एक रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा आया था, फिर वहाँ से फॉल आया था। अब ऐसे ही करके कुछ रैली माना यहाँ पर बना रहा है, कुछ यहाँ पर ऐसे पैटर्न्स दिखा रहा है जो मेरे हिसाब से अच्छा बुलरन हमें यहाँ पर दिखा सकते हैं। करंट प्राइस क्या चल रहा है, क्या हम टारगेट ले सकते हैं, कहाँ आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो करंट प्राइस अगर हम यहाँ पर देख लें माना का, तो 0.7666 चल रहा है, यानी कि 76 सेंट्स आप कह सकते हो एक माना का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। ठीक है, 76 सेंट यानी कि मैं डॉलर के हिसाब से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, माना को अगर मैं आपको प्राइस एक्शन माना का दिखाता हूँ, तो आप देखोगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि पहले एक अच्छा बुल रन आया था, उसके बाद मई में 21 मई के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आया था माना में। ठीक है, माना ने लगभग $1.5 से लगभग माना आपका 0.37 सेंट पर आ गया था, यानी कि ये एक ऐसा ऑल्ट कॉइन बना जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉल आया था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं माना को, माना एक अच्छा कॉइन है, लेकिन यहाँ पर जब रैली चलती हैं कॉइन्स में तो अप डाउन आता रहता है। कोई अप ट्रेंड हो तो उसमें हायर हाई हायर लो बना के चलते हैं, कोई डाउन ट्रेंड हो तो लोअर लो और लोअर हाई यहाँ पर बनाते हुए चलते हैं। देखिए, जो भी प्राइस ऐसे चलता है, इस हिसाब से चलता है प्राइस एक्शन, तो आप समझ लीजिए कि भाई ये एक अच्छा कॉइन, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो सकता है। जब भी आपका जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ता जाए तो आप इस जोन में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, और अगर आप नीचे प्राइस बढ़ता जा रहा है तो इस जोन में कभी भी शॉर्ट ना खोलें। ठीक है, कैसा कॉइन का एक आइडियल सिचुएशन कैसी होती है अच्छे कॉइन के लिए, वो होती है ये वाली। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक आइडियल सिचुएशन है। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया 0.7666, यहाँ पर 76 सेंट यहाँ पर चल रहा है। मैं माना को ईजिली कहाँ तक देख पा रहा हूँ, अभी भी अगर आप बाय यहाँ पर बनाते हैं, देखिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में माना को यहाँ पर बाइंग बना लिया है। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारा बनता हुआ है। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और ये पैटर्न आपका इस सिचुएशन में बना हुआ है, ये डे में आपका बना हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन पर प्राइस एक बार यहाँ पर टच कर चुका है, उसके बाद यहाँ से हमारा एक बाउंस बैक हमें मिल चुका है। और यहाँ पर एक बुलिश चीज मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा EMA बैठा हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मूविंग 200 में, जो कि हमारा ट्रेंड का पता लगाता है। तो आप देखोगे प्राइस कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड की तरफ को प्राइस आना स्टार्ट हो चुका है। आप कह सकते हो कि ये एक इनिशियल लेवल है प्राइस के अपसाइड बढ़ने का। रीज़न क्या है? देखिए, जब भी आपका 200 का EMA होता है, ये आपका एक ट्रेंड बेस होता है, यानी कि ये बताएगा आपको ट्रेंड मार्केट किधर की साइड चल रही है, मार्केट बाय है या मार्केट सेल है। तो अभी अभी आप देखोगे तो माना में बाइंग की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई ईजिली दिख पा रही है। और भी कुछ पैटर्न से मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो एक हमारा रजिस्टर जोन था और वो वाला जोन था ये, और आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ने इसका बाउंस बैक मारा, यानी कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट होता है रिटेस्ट। रिटेस्ट यहाँ पर कर चुके हैं माना में। अगर आप यहाँ पर दिखाऊं, मैं आपको पहले दिखाऊं, जब हमने पिछली बार इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट करा था, इस जोन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने आपके लिए रेड लाइन लगाई है, इस जोन का जब हमने पिछली बार ब्रेकआउट करा था, तो आप देख सकते हो माना लगभग आपका $8 तक गया था। और जब प्राइस आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अपग्रेड में आने वाला है, तो प्राइस को आप इजीली यहां पर मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर प्राइस यहां पर है तो प्राइस अपग्रेड में बढ़ने के लिए अपने जो हायर हाई है, ठीक है, अपना जो लोअर लो है उसको भी तोड़ता है, और अपग्रेड के लिए ऑब्वियसली बात है एक हायर हाई को तोड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हमारा एक लोअर हाई बनना है, ये आप जो देखोगे प्राइस में, ये हमारा एक लोअर हाई बनना है। तो
तो प्राइस मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि प्राइस यहाँ से अपर की रैली लेगा और अपना ये जो हायर हाई है या तो इसको ये तोड़ेगा या इसको ये टेस्ट करेगा। अच्छा अगर ये टेस्ट भी कर लेता है तो मैं यहाँ पर कैसे देख रहा हूँ माना को, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर ये तोड़ता भी नहीं है टेस्ट भी कर लेता है तो लगभग हम यहाँ पर 40% का यहाँ पर गेन बना देते हैं। देखिए इस चैनल पर मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो कि यहाँ पर सीक्रेट रखा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं बताया जाता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्राइस को अब यहाँ से ऊपर बढ़ना है तो प्राइस की ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्राइस कम से कम आपका $1 तक यहाँ पर बढ़े, जो कि आपका 76 है। वो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आप देखोगे तो हम ऑलरेडी अपट्रेंड में आ चुके हैं और अपट्रेंड में आने के लिए हमें, आपको पता ही है कि भाई हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका हायर हाई बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस कम से कम $1 यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अच्छा अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम क्या क्या टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट अगर हम यहाँ भी बाय करते हैं तो पहला टारगेट हमारा लगभग यू कैन से कि 84 पर हमारा पहला टारगेट हो सकता है, जिस पर बहुत ही कम सेलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छी सेलिंग बनानी है बाय करने के बाद तो मेरे हिसाब से $1 का वेट करो। मेरे हिसाब से कॉइन वहाँ तक आएगा, वहाँ पर ये एक बार टच करेगा इस लेवल को, एक बार यहाँ पर टेस्ट करेगा। तो अगर आप चाहें अपनी रिसर्च के बाद माना कॉइन को होल्ड कर सकते हैं और मेरे हिसाब से कैसे ये आपको रिटर्न में आ सकता है मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मारा, यहाँ पर एक बार टेस्ट करा, फिर प्राइस यहाँ पर एक साइड वे रेंज में चलेगा, यहाँ पर कुछ फॉलिंग वेज बना सकता है लाइक दिस, ठीक है। और फिर यहाँ से एक अप की रैली और ले सकता है 1.4 और लगभग आप 1.5 तक यहाँ पर टारगेट बना सकते हैं। लेकिन मैं अपना अगर आपको पर्सनल टारगेट बताऊँ तो मैंने माना की बाइक यहाँ पर बनाई है और जो मेरा टारगेट होने वाला है वो पहला टारगेट मेरा $1 का यहाँ पर होने वाला है। $1 के बाद डेफिनेटली मैं इसे होल्ड करूँगा 1.2 तक, 1.4 तक, लेकिन यहाँ पर मैं अपना 70% प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ माना में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि प्राइस इस हिसाब से ही यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही ये बढ़ेगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपका नीचे भी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, इसके लिए लेके चलेंगे हम स्टॉप लॉस। और अगर आप इस कॉइन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आप 60 के नीचे ही रखें, ठीक है, 0.60 के नीचे ही रखें। अच्छा एरिया है बाय करने का। टारगेट मैं आपको लेवल बता देता हूँ टैग कैलकुलेट करके। पहला टारगेट हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया 40%, दूसरा टारगेट हम लगभग आपका 109% का ले सकते हैं, लेकिन 70% में यहाँ पर निकलूँगा और 30% मैं यहाँ के लिए होल्ड करूँगा जब भी माना ATH अपना यहाँ पर आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हाई बनेगी और भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माना से और ऊपर जाए। तो माना का एक कॉइन ऐसा है जो कि मैं यहाँ पर एक बुलिश कॉइन देख रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और बताऊँ इसमें, तो आप देख पाओगे यहाँ पर माना ने एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है, जो कि एक और अच्छी बात है माना के लिए, माना होल्डर्स के लिए, जो कि यहाँ पर माना के होल्डर बन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर प्ले आउट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक कॉइन बताया था, उस कॉइन में आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। इससे पहले मैंने एक कॉइन आपके लिए कवर करा था, तो वो आपको देखनी है कॉल तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं उस कॉल को भी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद।